कुंदा जलाया। रेप का विरोध करने पर युवकों ने महिला को जलाया। स्थानीय लोगों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। कोतवाली गैबी घाट कटरा की घटना। तो महिला को जिंदा जलाने का मामला अब मिर्जापुर से आ रहा है, जहां पर रेप का विरोध करने पर युवकों ने महिला को जिंदा जलाया। स्थानीय लोगों ने पीड़िता को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया है। कोतवाली गोबी घाट कटरा की घटना। तो आपको खबर मिर्जापुर से बता रहे हैं। आज दिनांक 15/12/2019 को ज्ञात हुआ कि पूनम निषाद पत्नी राम मूरत हाल पता गैबी घाट थाना कटरा जनपद मिर्जापुर जली अवस्था में स्थानीय निवासियों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है। पुलिस द्वारा प्रकरण का संज्ञान लिया गया तो विदित हुआ कि उक्त महिला की पुत्री उसके विरुद्ध थाना कटरा पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके आधार पर अवयस्क लड़की को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर पक्का पोखरा में दिनांक 2/11/2019 को बाल कल्याण समिति के आदेश पर दाखिल कराया गया। रात्रि में 10 बजे के लगभग जब वो दवा लेने जा रही थी, तब रहीम व करीम ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल व जलती माचिस फेंक दिया, जिससे वो जल गई। जबकि मोहल्ले वालों का कहना है कि अवसाद में क्रोधवश उक्त महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लिया। मुकदमा अपराध संख्या 333/19 धारा 307 भारतीय दंड विधान पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। नंदलाल गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नंदलाल जी, महिला ने जब विरोध किया रेप पर तो उसको जिंदा जला दिया, फिलहाल अस्पताल में भर्ती, हालत कैसी बताई जा रही है? मैडम, अभी तक जो हालात वहां पर देखा गया है, वहां पर रात को लोग ग्रामीणों की मदद से वहां पर उसको भर्ती कराया गया है और हालात सामान्य बताई जा रही है। हाँ। और वहीं पर जो डॉक्टर ने खुलासा किया है 24-25%, मगर वहां पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला को 16-17% जलने की पुष्टि हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीच चौराहे पर लड़की भागती रही और वहां पर जो एक कलीम और रहीम नामक दल जला इनके द्वारा कोई कार्रवाई हुई है इन पर अभी तक? जी मैडम, दोनों लोग गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर इसको जेल भेज दिया है, लेकिन काफी आक्रोश है। पीड़िता की हालत में सुधार है या नहीं अभी? जी हाँ, सुधार है, इलाज प्रॉपर चल रहा है, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी है। जी अब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उन्होंने अपडेट दिया, पीड़िता की हालत में फिलहाल सुधार है, दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस बुलेटिन में